है जीप कंपास लिमिटेड एडिशन लिमिटेड प्लस, देखिए जीप। तो इसमें और ये मॉडल है, ये 18 मॉडल है। जब आप यहाँ पे शीशा पे देखेंगे आपको गौर से दिखेगा 18 मॉडल, ठीक है। ये देखिए 18 मॉडल है। इसमें जो गाड़ी होता है उसमें एक सिक्योरिटी गेटवे मॉड्यूल लगा होता है, तो वो कहाँ पे होता है और वो सिक्योरिटी गेटवे मॉड्यूल का कपलर निकाल के आपको ये 12+8 पिन कनेक्टर में लगाना पड़ता है, तब जाके आप स्कैनर इसमें कनेक्ट करेंगे इधर से, तब आपका स्कैनर काम करेगा। नहीं तो ये यहाँ से जो स्कैन करेंगे ना आप गाड़ी में, तो स्कैनर कनेक्ट हो जाएगा, स्कैन भी कर लेकिन फॉल क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसका सोल्यूशन यह है कि ये आपको 12+8 यानी 8 पिन वाला या 12 पिन वाला कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, जिसके ये दूसरे इन पे आपका 16 पिन फीमेल कनेक्टर रहता है, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए ये जो स्टीयरिंग है इसके नीचे आपको यहाँ पे ये देखिएगा, तो ये जो हम दिखा रहे हैं आपको ये जो है ब्लैक कलर का, ये है इसका सिक्योरिटी गेटवे मॉड्यूल ये वाला। इसमें से हमको ये जो दो कपलर है 12+8 ये 12 का है और ये 8 पिन का है, ये निकालना पड़ेगा और आपको इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी स्कैन होगी, ठीक है। तो हम इसको फिट करते हैं फिर गाड़ी को स्कैन करके हैं दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा एक कनेक्टर लग गया बड़ी मशक्क़त के बाद। इसका ये कपलर है आप देख सकते हो ऊपर में, ये जो है आपका 8 पिन का है, ये 12 पिन का है, अच्छे से फिट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमें स्कैनर का कनेक्टर कनेक्ट करेंगे, तब जाके स्कैन होगा हमारा गाड़ी, ठीक है। तो इसको स्कैनर कनेक्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा OBD कपलर इससे कनेक्ट हो गया है और ये लाइन आ रहा है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है स्कैन करना ये गाड़ी को, यहाँ से आपका स्कैनिंग नहीं होगा, ठीक है। ये वाला 16 पिन से होगा बट क्लियर नहीं होगा फॉल्ट वगैरह। तो ये कनेक्ट करके फिर स्कैनर से कनेक्ट करके आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैनिंग करते हैं इसको।